पूर्व विधायक आशीष देशमुख के नेतृत्व में शहर के गांधी चौक में भव्य पंडाल लगाकर नागपुर जिला सहकारी बैंक घोटाले में 2002 से जिले के किसानों की फंसे 153 करोड़ रुपए वापसी दिलाने के हेतु बेमुदत ठिया आंदोलन 2 अगस्त से दोपहर 12 बजे से शुरुआत की गई। इस ठिया आंदोलन से पहले पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख, एडवोकेट प्रकाश टेकाड़े, मनोहर कुंभारी, किशोर चौधरी आदि के नेतृत्व में उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा सहकार मंत्री को निवेदन प्रस्तुत कर सन 2002 में घटित उक्त 153 करोड़ के बैंक घोटाले की ब्याज सहित 1444 करोड़ रुपए वसूली कर किसानों को ब्याज सहित वापसी हेतु शीघ्रता से पहल करने की विनती की। इस अवसर पर विधायक आशीष देशमुख के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण सैकड़ों की संख्या में बैलगाड़ी पर सवार होकर उपविभागीय कार्यालय पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन कर वापस गांधी पुतला स्थित आंदोलन स्थल पर पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए सभी ने एक सुर में उक्त घोटाले में दोषी पाए गए राज्य के पूर्व मंत्री तथा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुनील केदार पर जमकर निशाना साधते हुए अपनी भड़ास निकाली। पिछले अनेक दिनों से इस भव्य ठिया आंदोलन का हर स्तर पर प्रचार तथा प्रयास आयोजकों द्वारा किया जा रहा था तथा हजारों की संख्या में किसानों की उपस्थिति के कयास लगाए जा रहे थे, किंतु उक्त आंदोलन में सावनेर कलमेश्वर तहसील से सजी धजी मात्र 17 बैलगाड़ी तथा 2 ट्रैक्टर तथा दोनों तहसीलों से सैकड़ों की उपस्थिति रही। वही जिन किसानों के लिए यह अनिश्चितकालीन ठिया आंदोलन आयोजित किया गया है, वे किसान कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आधिकारिक होने से यह आंदोलन किसानों का न होकर भारतीय जनता पार्टी का होने की चर्चाएं होने लगी है। उक्त आंदोलन शांतता से सफल होने हेतु सावनेर पुलिस स्टेशन के थानेदार रविन्द्र मानकर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने परिश्रम दिया। उपविभागीय अधिकारियों का निवेदन प्रस्तुत करने के बाद ठिया आंदोलन स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट प्रकाश टेकाड़े, मनोहर कुंभारी, किशोर चौधरी, धनराज देव के, दिनेश ठाकरे, डॉक्टर राजीव पोद्दार, भारतीय जनता पार्टी के नागपुर जिलाध्यक्ष तथा पूर्व विधायक सुधाकर कोहरे, आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष देशमुख आदि ने संबोधित कर इस आंदोलन को समूचे नागपुर जिला पर जारी रखकर किसानों को न्याय दिलाने की बात कही है। आयोजन का संचालन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामराव बोवाड़े ने तो आभार सावनेर तालुका भाजपा अध्यक्ष मंदार मंगे ने माना। इस अवसर पर भाजपा शहर अध्यक्ष राजू घुकल, पूर्व नगराध्यक्ष एडवोकेट अरविंद लोधी, पूर्व नगर सेवक तुषार उमाटे, रविन्द्र ठाकुर, आशीष मानकर, सुजीत बागड़े, युवा नेता सोनू नवधिंगे, विनोद बागड़े, अमित झोड़ापे आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ते किसान भाई बहने प्रमुखता से उपस्थित थे। आरोप सिद्ध केले आहे, सुनील केदार 153 कोटी रुपयाच्या घोटाळ्यासाठी दोषी ठरवले आहे न्यायालय। 22 वर्षापूर्वी जर कोणा सामान्य कास्तकाराचे पैसे 153 कोटी बँकेत जमा केले असते तर आज ते 1444 कोटी रुपये झाले असते। महाराष्ट्रामध्ये कायदा आहे, दोषी आढळलेल्या व्यक्तींकडून वसुली झाली पाहिजे। आज 22 वर्षापासून वसुलीसाठी सर्व पिढी, शेतकरी, नागरिक, व्यापारी, नोकरदार वर्ग आतुरतेने वाट पाहतो आहे। या प्रकरणाला मागचे 22 वर्ष लागण्याचं कारण काय? सातत्याने आपले हित संबंध साधत राजकीय दबाव वापरत सुनील केदार वसुली थांबवली आहे। आजही आमचा आरोप आहे की वळसे पाटील जे पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होते, त्यांनी मुद्दामून ह्या सुनावणीला तडका फडकी आणि आमची आजचा हा धरणा आंदोलन आहे, की या आंदोलन आहे, दिवस रात्र आम्ही या मागणीसोबत बसणार आहे। विनंती वळसे पाटलांना हीच आहे की आपण या व्यथा पीडितांच्या समजू तातडीने वसुलीचे आदेशासाठी कायद्या समोर न्यावी आणि आरोपींकडून दोषी ठरल्यांकडून वसुली झालीच पाहिजे। ती 1444 कोटी रुपये नागपूर जिल्ह्याच्या पीडित कास्तकारांना जिला सहकारी बँकेच्या तेव्हाच्या खातेदारांना वितरित करण्यात। एनबीसी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।